सो हेलो कैप्टन जवाबमैन, आज हम लोग लेके आए एक और एक ट्रांसफर न्यूज जो मैंने कल रात को प्रमिस किया था। दैट इज ऑल्सो बेंगलुरु एफसी। बेंगलुरु एफसी ने और एक रूमर ट्रांसफर करने वाले इन द मंथ ऑफ जून और जुलाई, वह है होलीचरण नरसारी। अगर सूत्रों की मानी जाए तो होलीचरण नरसारी आने वाले हैं अलोंग विद अल्बर्ट रोका एज वेल एज मैनोलो मार्केस, क्योंकि दोनों ही बात कर रहे थे कि मैनोलो मार्केस आएंगे एज अ क्लब इन द फॉर्म ऑफ कोच और अल्बर्ट रोका भी लौट आएंगे इन बेंगलुरु एफसी इन फॉर्म ऑफ द टेक्निकल डायरेक्टर, बट इस बार कोच के हिसाब से नहीं एज अ टेक्निकल डायरेक्टर। सो और एक प्लेयर जिसका नाम बहुत शोर जोर से चल रहा है वो है होलीचरण नरसारी, भी बेंगलुरु एफसी में आ सकते हैं अलोंग विद देयर कोच मैनोलो मार्केस। और अगर एक प्लेयर जिसको मैनोलो मार्केस ने फ्रॉम अ स्लाइटली टैलेंटेड प्लेयर टू मेक अ सुपरस्टार, वो है होलीचरण नरसारी। उनको होलीचरण नरसारी टैलेंटेड प्लेयर सब समय पहले से ही थे, बट उनको जो स्टारडम मिली, उनको जो फुटबॉल टीम में एक कॉम्पैक्ट रोल मिला या उनका रोल जो डेवलप हुआ, उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ था इन फॉर्म ऑफ मैनोलो मार्केस। और मैनोलो मार्केस अगर कोच के हिसाब से आते हैं तो बड़े बड़े जगहों से सब रूमर आ रहे हैं कि होलीचरण नरसारी मोस्ट प्रॉब्ली आने वाले हैं, डजंट मैटर हु इज द कोच और एनीथिंग, बट मैनोलो मार्केस और होलीचरण नरसारी का एक साथ आना इन बेंगलुरु एफसी सीम्स क्वाइट राइट, क्योंकि होलीचरण नरसारी हैज बीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर हैदराबाद एफसी अंडर मैनोलो मार्केस। मैनोलो मार्केस के अंडर इस सीजन भी अगर हम देखें तो एज एन इंडियन प्लेयर उनके पास 13 मैचेस में 3 गोल और 5 असिस्ट है, दैट इज 330 पे एक गोल करते इंडियन प्लेयर इन आईएसएल। 3 गोल 5 असिस्ट मतलब गोल प्लस असिस्ट मिला के देखा जाए तो 8 गोल प्लस असिस्ट 13 मैचेस इज गुड एनफ फॉर एनी इंडियन। और सिर्फ यही नहीं, उनके बॉल के ऊपर कंपोजर, उनके विंग के ऊपर जो पेस है, उनका जो स्टेल्थ पेस है जिसको हम बंगाली में चोरा गोती कहते हैं, उसका मतलब है समवन हु कैन एक्सेलरेट एट अ वेरी हाई स्पीड एट एनी मोमेंट, वो ऐसे प्लेयर है। सो उनको टीम में लाना इज अ बिग बिग थिंग फॉर बेंगलुरु एफसी। बेंगलुरु एफसी रीबिल्ड में जा रहा है, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, रीबिल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर होलीचरण नरसारी को देखा जाए, होलीचरण नरसारी इज अ गुड ट्रांसफर, इस चीज को दिमाग में रखना पड़ेगा, वो बहुत सारे टीमों से खेल चुके हैं। ही हैज प्लेड फॉर टेम्पो, ही हैज प्लेड फॉर पोलानेरोस, एफसी गोवा, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, डीएसके शिवाजियंस, केरला ब्लास्टर्स, चेन्नई एनएफसी, हैदराबाद एफसी। सो इंडियन फुटबॉल में वो इतने सारे क्लब्स में खेल चुका है एंड ही इज 28 ईयर्स ओल्ड। ऐसा नहीं उनको अपने प्राइम फॉर्म में खरीद रहे हैं, क्योंकि एक प्लेयर का, एक मिडफील्डर या एक विंगर का प्राइम एज बोला जाता है 25 टू 30 ईयर्स ओल्ड। और एक चीज जिसके लिए बेंगलुरु एफसी उनको खरीद रहे हैं वो है, बेंगलुरु से हमने देखा कि आशिक कुरुनियन जाने के बाद एक ऐसी डायनेमिक प्लेयर की बहुत कमी दिखी है जो बोथ विंग्स में खेल सकते हैं, विंग बैक का रोल भी निभा सकते हैं। होलीचरण नरसारी इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर हु कैन प्ले इन बोथ द पोजीशंस। वो बेसिकली लेफ्ट मिडफील्ड प्लेयर है, पर उनको लेफ्ट विंग बैक, लेफ्ट विंग के हिसाब से भी खेलाया जा सकता है। सो दैट्स अ गुड थिंग फॉर बेंगलुरु एफसी, क्योंकि बेंगलुरु एफसी का लेफ्ट साइड आफ्टर आशिक कुरुनियन डिडंट लुक गुड सीजन। बहुत सारे लोगों ने यह भी सवाल पूछा, आशिक कुरुनियन को बेचा ही क्यों, तो उसका आंसर भी ये हो सकता है कि ये टीम समझ, मैनेजमेंट समझ गए कि आशिक कुरुनियन का डील हैज बीन कॉस्टेड अ लॉट। सो होलीचरण नरसारी रीबिल्ड में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं एंड ही विल साइन अ 3 or 4 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट। सो अगर देखा जाए तो ये डील हेल्प्स द कोच, द अपकमिंग कोच जो मैनोलो मार्केस हो सकता है, उनको भी हेल्प करेगा टू सी अ फैमिलियर फेस इन द सेटअप। फैमिलियर फेसेस होना इज ऑलवेज अ बेटर थिंग, और ये बेंगलुरु एफसी को भी अपने लेफ्ट साइड को रीबिल्ड करने में बहुत मदद करेगी इन दैट सेंस। सो मुझे ओवरऑल लगता है कि ये ट्रांसफर इज अ वेरी गुड वन इन फॉर्म ऑफ बेंगलुरु से। बेंगलुरु से एक प्रूवन इंडियन प्लेयर को लेने वाले हैं, क्योंकि बेंगलुरु एफसी के पास में भी अगर देखें तो उनका सक्सेस फॉरेनर्स ने बहुत की रोल प्ले किया, बट बहुत सारे टॉप इंडियन प्लेयर्स बेंगलुरु एफसी में हर वक्त फीचर करते थे। बट इन द रिसेंट टाइम्स यू हैव सीन द इंडियन कोर हैज बीन वीक फॉर बेंगलुरु एफसी, और वो कोशिश कर रहे हैं उसको डेवलप करने की बट कर नहीं पा रहा है। सो ये जो डील हो रहा है दैट इज bringing होलीचरण नरसारी to बेंगलुरु एफसी, वो बेंगलुरु एफसी को एक इंडियन स्क्वाड में भी हेल्प करेगा इंडियन डेप्थ को बढ़ाने के लिए। दे विल हैव गुड प्लेयर्स, दे विल हैव प्लेयर्स, दे ऑलरेडी हैव प्लेयर्स लाइक सुरेश वांगजाम, प्रवीर दास, एंड हैविंग अ प्लेयर लाइक होलीचरण नरसारी उनको और भी बूस्ट करेगा इंडियन क्वार्टर को, और जो डिपेंडेंस ऑन फॉरेन प्लेयर्स है वो भी थोड़ा सा कम होगा। एंड ओवरऑल मैनोलो मार्केस को भी एक ऐसा प्लेयर मिलेगा जिसके साथ वो एक्सपीरियंस है। सो ओवरऑल this deal will take place in the month of June or July. June or July mein ye hoga. And it will be a multi-year deal. That is 3 or 4 years deal. So that was it from today. Mere paas aur bhi transfer news hai. Aur aaj raat main fir se le aaunga aur ek transfer news. So until then it's goodbye from Ahmed. But please,
प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आप लोग जानते हैं दैट इंडियन फुटबॉल न्यूज आर ऑलवेज टफ टू गेट, सो वी ब्रिंग यू न्यूज इवन मोर देन वंस नाउअडेज. सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और वीडियोस ले आ पाए. सो अंटिल देन इट्स